हमारे संवाददाता विक्रम भाटिया ने बिजली मंत्री रणजीत चौटाला से खास बातचीत की है, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। आदमपुर उपचुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं, इसको लेकर जो है भव्य बिश्नोई जो है 16,600 वोटों से विजय प्राप्त कर चुके हैं। इसको लेकर हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि कहीं ना कहीं भव्य उसकी 15,000 वोटों से ज़्यादा जीत होगी। आज हमारे साथ हैं बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका स्वागत है खबर पास पर। देखिए, मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ कि आपका चैनल बराबर लोगों में रहा, लोगों से आप ठीक बात कहते रहे और उसका एक हुआ कि लोगों ने बड़ा डेमोक्रेटिक तरीके से वोट डाला और हम बहुत अच्छे वोटों से जीते। इसके लिए बधाई देता हूँ मैं हमारे पहले तो पार्टी को दूंगा, फिर हमारे मुख्यमंत्री जी को दूंगा जिनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, उनकी कार्य प्रणाली को लोगों ने वोट दिए। तीसरा, मैं इस बात की भी बधाई दूंगा कुलदीप बिश्नोई को कि जो बजराज जी के परिवार से थे, उन्होंने इस्तीफा दे के वापस अपनी मौलिकता और नैतिकता पर लोगों के वोट मांगे, जिससे लोगों ने मैंडेट दिया। और एक आदमी जो डेढ़ महीना पहले कांग्रेस में खड़ा था, वो आदमी अगर आज बीजेपी में आके बीजेपी का दामन थाम के चुनाव लड़ता है तो उसे देता है। वाकई डेमोक्रेटिक लोग समझते हैं कि डेमोक्रेसी की वैल्यू क्या है। सर उसके साथ ही आपने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 15,000 वोटों से जीत होगी और इनेलो जो है उसकी जमानत जब्त होगी। मैंने कहा था आम आदमी पार्टी इनेलो के, तो मैंने कहा था 3,000 वोट के आसपास आएंगे। अब जो ये मेरे ख्याल में आखिरी राउंड आ रहा है, इसमें मेरा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, अभी इस आखिरी राउंड में हम थोड़े फिर नीचे जाएंगे, 800 जाएँ, 1,000 जाएँ, 700 में अच्छे लगभग इसी वोट के बाद। मुझे पूरे हल्के का पता है, पॉलिटिकल बड़ा अंदाज़ा। मैंने राज्यसभा में कह दिया था हम 2 सीट जीतेंगे, 2 हम जीते। और अभी इसमें मैंने पहले ही कहा था हम 15,000 से जीतेंगे, ठीक है 16,000 आ रहा है, पर इस लास्ट राउंड पर मैं भी शंका करता हूँ। मुझे पता है वहाँ वो गाँव कैसे हैं, उनकी स्थिति क्या है। और पर ये ज़रूर है कि आम आदमी पार्टी इनेलो की हालत बहुत ख़राब हुई है। आम आदमी को सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है, उनका भविष्य पे चिन्ह लग गया। हरियाणा पंजाब दिल्ली, कभी मतलब दिल्ली के साथ हरियाणा पंजाब हिमाचल एक सीट थी, दिल्ली में वो आगे, पंजाब में वो आगे, और हरियाणा जो है वो 3 तरफ दिल्ली के बाहर से हैं, तो वो ये समझते थे कि हमारी दिल्ली में, केजरीवाल जी ने कहा मैं हरियाणा का बेटा हूँ। लोगों ने सुना नहीं, लोगों ने जो उन्होंने एक बात कही थी कि SYL जो है वो पंजाब का है, उनका पानी है, और चंडीगढ़ पंजाब का है, पंजाब का हिस्सा है, इस बात को लोगों ने, लोग बहुत हरियाणा के लोग राजनीतिक तौर पे बहुत जागरूक है, उन्होंने उनकी इस बात को मतलब रिवर्ट कर दिया। लोगों ने उनके इस बात से नाराज़गी जाहिर करके उन्हें अपनी जगह बता दी। आज जो बड़ी जीत मिली है सर, कहीं ना कहीं भाजपा जो है मजबूत होगी, आगामी चुनाव को कैसे देखेंगे? देखिए, एक मिनी पोल होता है, जो ओपिनियन पोल आता है, जो बाई इलेक्शन आता है, चुनाव के नज़दीक आता है, मैं समझता हूँ कि अगली बार बीजेपी कंफर्टेबल मेजोरिटी में अकेली सरकार बनाएगी। तो अपने सिरसा में भी पंचायती चुनाव है, उसको लेकर किस तरह के आश्वासित है? सिरसा जिला परिषद में हम कब्जा करेंगे, बिल्कुल हमारी है कि मेजोरिटी हमारी है कि बिल्कुल बहुमत हमारा, जिला परिषद हमारी बनेगी। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। जिस तरह बिजली मंत्री चौधरी रंजीत सिंह चौटाला ने कहा कि इस जो चुनाव में जो अब नतीजे आए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है मजबूत हुई है, और आने वाले समय में जो पंचायती चुनाव है वो भी जो है सिरसा के अंदर पूरी तरह से बीजेपी जो है जीत दर्ज करेगी। खबर फास्ट के लिए सिरसा से विक्रम भाटिया।